हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं इस कार्डिगन की बटन पट्टी की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो देखिए, इस कार्डिगन में मैंने किस तरह से इस बटन पट्टी को बनाया है ये मैं आज आपको सिखाऊंगी इस वीडियो में। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इस बटन पट्टी को सीखने के लिए, तो आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और वीडियो के बीच में मैं आपको बताऊंगी कि ये बटन पट्टी हमें किस तरह से बनानी है, क्या इसका सही तरीका है बनाने का, जिससे कि ये बटन पट्टी जो है लटकती नहीं है, ये एकदम स्ट्रेट रहती है और सफाई से आती है। इसकी जो एक किनारी है, देखिए ये मैं आपको सिखाऊंगी इसको हमें सफाई से किस तरह से बनाना है। बहुत आसान है इसको बनाना। और सीधे उल्टे फंदों की बटन पट्टी हमें किस तरह से बनाना है, इसमें काज किस तरह से बनाना है, ये मैं आपको सिखाऊंगी। तो बने रहिए वीडियो में और वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 17 फंदे डाले हैं इस बटन पट्टी को बनाने के लिए। 17 फंदे इसलिए डाले हैं क्योंकि दो दो के जोड़े हमें लेने हैं। जैसे आप 12 या 14 फंदों की बटन पट्टी बनाते हैं, उस हिसाब से हमने इसमें एक फंदा एक्स्ट्रा रखते हुए 16 फंदों की बटन पट्टी बनाई है और एक फंदा हमने एक्स्ट्रा रखा है। तो बटन पट्टी देखिए, जितनी आप चौड़ी बनाएंगे उतनी अच्छी लगेगी, चाहे आप कोई भी बटन पट्टी बनाइए। इसमें मैंने सीधे और उल्टे, क्योंकि इस वाले कार्डिगन में ये सवाल पूछा गया था, इसलिए मैंने इसमें सीधे और उल्टे फंदे की बनाई है। तो देखिए, शुरू के हमें दो फंदे सीधे रखने हैं। इसमें पहला फंदा हम उतार लेंगे, इसके बाद धागा पीछे लेकर जाएंगे, दूसरा फंदा सीधा बनाएंगे। इस तरह से इसको थोड़ा सा हम टाइट रखेंगे, धागा आगे करेंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे। नॉर्मली जो हम जेंट्स स्वेटर में, लेडीज स्वेटर में बॉर्डर डालते हैं, वो सीधे और उल्टे का डालते हैं। तो इस तरह से हम उसको बनाते हैं, एक फंदा उल्टा और एक सीधा। इस तरह से हम पूरे जितने भी हमारे पास फंदे हैं अपनी पट्टी के, इसको बुनते हुए चले जाएंगे। अब लास्ट में देखिए हमें क्या करना है। लास्ट में जब हमारे पास दो फंदे बचेंगे, तो इन दोनों फंदों को हमें सीधा रखना है इस साइड से। तो हम क्या करेंगे, इस फंदे को हम ऐसे उतार लेंगे। अगर आप चाहें तो इस फंदे को ऐसे भी उतार सकते हैं, ऐसे या वैसे, जैसे भी उतारिए। उसके बाद लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बना देंगे इस तरह से। अब आ जाइए इसकी बैक साइड पर। आगे जो भी आपका डिज़ाइन है आप उसको कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद देखिए, यहाँ पर हम एक फंदा उतार लेंगे, जिसको हमने सीधा बना था उसको हम ऐसे उतार लेंगे, और जो फंदा हमने बिना बुने उतारा था उसको हम उल्टा बनाएंगे। यहाँ से भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा हाथ हमें टाइट रखना है, उसके बाद जैसे आप बुनते हैं वैसे ही बुनिएगा। फिर से हम वही करेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, और जो फंदा उल्टा नज़र आएगा उसको उल्टा बनाएंगे, जो सीधा नज़र आएगा उसको हम सीधा बनाएंगे। इससे क्या होगा, आपकी जो बटन पट्टी है वो लटकेगी नहीं, वो एकदम खड़ी हुई आएगी, टाइट रहेगी। देखिए, उल्टा और सीधा करते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, यहां से हमें ये फंदा उतारना है, धागा आगे करेंगे, ये फंदा उतारेंगे और इस वाले फंदे को हम बुनेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से आएगा। मैं एक बार एक सिलाई और बता देती हूँ। देखिए, स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, एक फंदा उतारना है ऐसे, और जो बिना बुना हुआ फंदा है उसको हम बुनेंगे ऐसे सीधा। इससे क्या होगा, देखिए ये जो किनारी है, ये जो किनारी इसमें आई है, इतनी साफ सुथरी जो किनारी आई है, वो इसी तरह से आएगी। इसके बाद धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, बाकी का हम पूरा वैसे ही करेंगे। देखिए, लास्ट में फिर से वैसे ही करेंगे, इस फंदे को उतार लेंगे और लास्ट वाला फंदा
सीधा बना देंगे। इस तरह से आपकी जो किनारी है एकदम स्मूथ आएगी, देखिए फिनिशिंग आएगी इसमें। फिर से हम लास्ट वाली रो है ये हमारी, दो सिलाइयाँ मैं आपको बता चुकी हूँ, इसकी चौथी सिलाई भी मैं आपको बता देती हूँ। पहला फंदा उतारा, दूसरा फंदा हम उल्टा बुनेंगे, फिर वैसे ही सीधा उल्टा सीधा उल्टा। और लास्ट में फिर से एक फंदा हम उतारेंगे और लास्ट वाला फंदा सीधा बनेंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से आएगी ये बटन पट्टी। अब मैं आपको इसमें काज बनाना सिखाऊंगी, इसमें हमें काज कैसे बनाना है। अब देखिए काज बनाने के लिए हमें इसमें क्या करना है, हम इस साइड का पैटर्न बना रहे हैं, ये हमारा इस साइड पैटर्न बनेगा और ये हमारी बटन पट्टी की किनारी है, यहाँ हमें इस साइड बटन लगाना है। तो इस साइड हम थोड़े ज़्यादा फंदे छोड़ेंगे, ये देखिए इस साइड हम थोड़े ज़्यादा फंदे छोड़ेंगे। अब हमारे पास 17 फंदे हैं तो हम 2, 4, 6, 8, 10 10 फंदों के बाद यहाँ से हम उल्टे फंदे पर बटन पट्टी, यहाँ से हम उल्टे फंदे पर काज बनाएंगे इस उल्टे फंदे पर। तो देखिए स्टार्टिंग के दस फंदे हम बुनेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे बुनते हैं। पहला फंदा उतारना है, दूसरा सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। यहाँ अब इस वाले फंदे के ऊपर हमें काज बनाना है तो इसको हम उल्टा बुनेंगे और ये हमारा 10वां फंदा सीधा हमने बुन लिया। अब देखिए इसके बाद से हम यहीं से वापस होंगे क्योंकि अब हमें काज बनाना है, तो इस फंदे को हम उल्टा उतारेंगे, ऐसे ही धागा पीछे करेंगे, सीधा फंदा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, उल्टा फंदा बुनेंगे। ये हमारी दूसरी सिलाई है काज की। देखिए इसको हम उतारेंगे और इसको बुनेंगे, फिर दोबारा से हमें यहाँ से यहाँ तक वापस आना है। ये वाला फंदा सीधा उतारेंगे, इस फंदे को हम बुनेंगे, धागा आगे, एक उल्टा एक सीधा करते हुए हम इसको 10 फंदे शुरू के बुनेंगे। ये देखिए जिसको हमने बिना बुने उतारा था उस फंदे को हम यहाँ से बुन देंगे। तो ये हमारी तीसरी सिलाई हो गई इसकी काज की। अब हम फिर से इसको बैक करेंगे, यहाँ से वापस वहीं से इसको बुनना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए इस बार हम इस फंदे को बुनेंगे, यहाँ से हमने इसको बुना और फिर से हम उसको इस वाली लाइन को ऐसे ही बुनेंगे, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा। ये देखिए इस फंदे को उतारेंगे और इस फंदे को हम बुनेंगे, ये हमारी फोर्थ सिलाई जो है इसमें पूरी हो गई है। तो फिर से हम दो सिलाइयां और करेंगे, पहला फंदा उतारेंगे, उसके बाद दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे, इस तरह से ये हमारी फिफ्थ सिलाई है। सीधी साइड से इसको हम सीधा बुनेंगे। अब इसके बाद यहाँ हम बनाएंगे सिक्स्थ
सिलाई। इसको हम अब की बार उतारेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक सीधा एक उल्टा करते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। इस फंदे को उतारेंगे और ये लास्ट वाला फंदा उल्टा बनाएंगे। ये इसकी लास्ट रो है। एक फंदा उतारेंगे, फंदा हम सीधा बुनेंगे। फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। ये सिलाई, ये रो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। ये छह सिलाइयाँ हमारी, ये देखिए ये छह सिलाइयाँ हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। अब इसके बाद हम यहाँ से इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए क्या करना है, हमें दो बार हम इसमें धागा लपेटेंगे इस तरह से, उसके बाद इसको हम बुनना स्टार्ट करेंगे। जो फंदा आपका अगला आएगा उसी फंदे को आपको बुनना है। ये उल्टा फंदा था तो हमने इसको उल्टा बुना है। इसके बाद एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक सीधा, धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को उतारेंगे और जैसे हम शुरू से इसको करते आ रहे हैं उसी तरह से इसको बनाएंगे। ये पहली रो कंप्लीट हो गई। अब काज की दूसरी साइड से हमारी दूसरी रो है। तो देखिए दो, तीन, चार, पाँच, छः और ये सातवां फंदा। हमने इस साइड में सात फंदे रखे हैं और इस साइड रखे थे हमने दस फंदे, तो ये हमारे पूरे सत्रह फंदे हो गए हैं। अब देखिए जो हमारा लास्ट का सीधा फंदा है इसको हमें किस तरह से बुनना है। इसमें हमें ये जो फंदे हमने एक्स्ट्रा, जो फंदे हमने घुमा कर लिए थे, धागा जो घुमाया था हमने, इसको हमें इसके अंदर से निकालना है। ये देखिए इस तरह से ऐसे निकालेंगे और इस फंदे को इस सिलाई पर लेंगे, धागा पीछे करके इसको हम सीधा बुनेंगे ऐसे। ये देखिए अभी हमारे पास एक फंदा और है इधर, फिर हम ये वाली सिलाई पर आएंगे, दोबारा से इसको हम बुनेंगे। यहाँ से पहला फंदा उल्टा, उसके बाद सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा फंदा उतारेंगे और एक सीधा फंदा हम बुनेंगे ऐसे। इसके बाद फिर से यहाँ से हम इसको बुनना स्टार्ट करेंगे। देखिए ऐसे सीधा उल्टा, सीधा उल्टा। अब यहाँ पर फिर से हमारे पास सीधा फंदा आएगा तो हमें इसको ऐसे ही इसके अंदर से इस धागे को निकालना है। ये देखिए एक बार ध्यान से देखिए, इस फंदे के अंदर हमें सिलाई डालनी है, इस धागे को हम इस तरह से लेकर आएंगे, ये देखिए ऐसे, और इसके बाद इस फंदे को ये देखिए यहाँ से इस फंदे को हम इसके अंदर से लेके आएंगे ऐसे। फिर इस फंदे को इस वाली सिलाई पर लेंगे और इसको हम सीधा बुनेंगे। इसके बाद दो सिलाइयाँ और रहती हैं हमारी। ये देखिए इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, और यहाँ पर एक फंदा उतार कर नेक्स्ट को सीधा बनेंगे।
अब देखिए ये हमारी लास्ट रो है, ये फंदा हम उतारेंगे, इसको ऐसे बुनते हुए जाएंगे। अगर आप इस काज को बड़ा बनाना चाहते हैं बड़े बटन के लिए, तो आप ये वाली सिलाइयाँ दो और बढ़ा सकते हैं। दो सिलाइयाँ और बढ़ाएंगे तो आपका ये काज जो है बड़ा हो जाएगा। उस हिसाब से आपको जितनी सिलाइयाँ आपने उस साइड रखी हैं, इसी साइड इस साइड भी आपको उतनी ही सिलाइयाँ रखनी होंगी। देखिए इस फंदे को अब की बार हम ऐसे ही बुन देंगे, और अगला फंदा हमारा जो उल्टा है, उल्टा आएगा, इसको हम उल्टा बुनेंगे, फिर सीधा और फिर उल्टा। अब की बार ये लाइन हमारी पूरी जाएगी ऐसे ही। काज हमारा कंप्लीट हो गया है। ये लास्ट वाली लाइन हमारी यहाँ से कंप्लीट हो गई है। ये देखिए काज आ गया है। अब इसकी दो चार सिलाइयाँ मैं कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको ये दिखाऊंगी। ये देखिए ये वाली दो चार सिलाइयाँ मैं कर देती हूँ उसके बाद। तो ये देखिए हमारा काज इस तरह से बनकर रेडी है। अब मैं आपको इसमें बटन डाल के दिखाती हूँ कि इतना बड़ा बटन देखिए आराम से इसमें आ जाएगा। छह सिलाइयों का काज हमने बनाया है, और देखिए ये बटन इसमें आराम से आ गया है। अगर आप इसे छोटा काज बनाना चाहते हैं तो आप चार सिलाइयों में इस काज को बनाइए। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।